मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट कप का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया और कहा कि आज पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहे हैं, आप सबको सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट मैच के शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर T20 क्रिकेट के इस 8 दिवसीय कार्यक्रम को उद्घाटन कर रहे हैं, मुझे इस अवसर पर प्रसन्नता हो रही है कि मुझे जो बताया गया कि कई टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही है और स्वयं यहां पर तमाम हमारी संस्थाएं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हैं, जिसमें इंडियन बैंक इसका मुख्य प्रायोजक है, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, यूनिवर्सल सोम्पो इंश्योरेंस, आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस भी इस आयोजन के साथ जुड़े हुए हैं और डिफरेंटली एवर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया इस आयोजन की मुख्य आयोजक हुई। उन्होंने कहा कि सरकार का मंत्र सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है, शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सबको मिले यही हमारी प्राथमिकता है। विकलांग शब्द को दिव्यांग शब्द कहकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया है। इस मौके पर उन्होंने पद्मश्री दीपा मलिक को सम्मानित भी किया और कहा कि सभी आपसे प्रेरणा लेते हैं, आपको अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। अगले 8 दिनों तक यहां दिव्यांगजन का रोमांचक क्रिकेट मैच देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम से बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ना एक शुभ संकेत है। अगले 7 दिनों तक लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को अपने दिव्यांगजनों के T20 क्रिकेट को देखने का और उसका आनंद लेने का अवसर भी प्राप्त होगा। सचमुच बड़ा रोमांचक कार्यक्रम होगा और इस अवसर पर मैं प्रातः काल से ही मालूम कर रहा था कि कब ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा और मुझे बताया गया 10 बजे ही यहाँ पर 5000 के आसपास की संख्या आ चुकी थी। लगातार लोग आ रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के साथ। आप सबका जुड़ना समाज को और उनकी प्रतिभा को निखारने का एक अवसर प्रदान करता। उन्होंने कहा कि मुझे दिव्यांगजनों को सम्मानित करते हुए काफी अच्छा लगा, जो बाधाओं के बाद भी आगे बढ़ रहे हैं। मध्यकाल के संत सूरदास जी ने दृष्टि बाधित होने के बावजूद भगवान कृष्ण की भक्ति में काव्य खंड के माध्यम से नई प्रेरणा दी है। जब दुनिया में भौतिक वैज्ञानिकों की चर्चा होती है तो स्टीफन हॉकिंग का नाम जरूर आता है। उन्होंने दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में 10 लाख दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है, छात्रवृत्ति प्रशिक्षण और दिव्यांगजन कल्याण के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। सरकार दिव्यांगजन के विकास व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश दिया है। कहा कि जब कोई पैरा ओलंपिक भारत के लिए मेडल जीतता है तो लगता है कि सरदार पटेल का सपना साकार हो रहा है।